जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। नाउ स्टूडेंट, लेट्स डिस्कस द सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सबसे पहले तो इसका मतलब समझते हैं, सेग्रीगेट माने क्या होता है। सेग्रीगेट माने होता है सेपरेट होना, अलग होना। अब क्या हुआ, जब उन्होंने क्रॉस किया, प्योर ब्रीड लिए, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव, जैसा कि आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखा था, जब इनको क्रॉस किया तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि जो गैमीट्स जब बनते हैं, तो जब गैमीट्स बनते हैं तो जो एलील्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो सेपरेट हो जाते हैं। मीन्स जो एक पेयर जीन की बात करें या हम दो एलील्स की बात करें, तो गैमीट फॉर्मेशन के समय एक, जो भी गैमीट्स बनेंगे सबके पास एक ही एलील जाएगा। ओके, तो ये था इनका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, सो द एलीलिक पेयर इन अ हाइब्रिड सेग्रीगेट और सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, एंड दैट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गैमीट्स इट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर्स एंड आर प्योर फॉर अ गिवन ट्रीट। और इस लॉ को इन्होंने लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोला। मीन्स गैमीट्स जो हैं बिल्कुल प्योर, मीन्स यहाँ पे गैमीट्स बनते हैं, दे ओनली रिटेन अ सिंगल एलील, सिर्फ सिंगल एलील ही उनको मिलता है जब गैमीट्स बनते हैं। तो इसीलिए इन्होंने इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोला, सेकेंड लॉ को। अब ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, दैट कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने ये देखा था, F2 जनरेशन में हमको F1 जनरेशन में सब टॉल मिले थे। जब F2 जनरेशन हमने क्रॉस कराई, ठीक है, गैमीट्स बनाए और क्रॉस किया, तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था अगर फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो 3 टॉल थे, एक इनको रेसेसिव मिला था, वो भी होमोजाइगस। तो रीअपियरेंस ऑफ रेसेसिव ट्रेड इन F2 जनरेशन जो था, दैट प्रूव्स द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कैसे, कि जो गैमीट्स में एलील्स जो थे गैमीट फॉर्मेशन के समय अलग हुए थे गैमीट जब बने, और जब वो F2 जनरेशन में गैमीट्स जो हैं आपस में फ्यूज़ हुए, जब उनका फर्टिलाइजेशन हुआ, ऑफस्प्रिंग बने, तो उनमें से एक जो ऑफस्प्रिंग था उसमें वो गैमीट्स जो एलील्स थे वो वापस कंबाइन हो गए और सेम पेरेंट की तरह ही वो पेरेंट का ही कैरेक्टर रिस्टोर हो गया, हम ये कह सकते हैं। तो दैट इज़ द रीअपियरेंस, फिर से अपीयर हो गया रेसेसिव ट्रेड जो कि पेरेंट में था, एक पेरेंट में, वो F2 जनरेशन में अपीयर हो जाता है। मींस जो एलील्स अलग हुए थे गैमीट में वो वापस आ जाते हैं F2 जनरेशन। दैट इज़ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड दिस इज़ लॉ कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आप किसी भी कैरेक्टर के क्रॉस को लेके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ लास्ट लॉ बचता है, दैट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू एवरीबडी।